साथ पढ़ने का अधिकार मिला कि आज स्कूल तो आएंगे लेकिन जहां पर सारे क्लास के बच्चे बैठते हैं वहां नहीं बैठ करके क्लास के बाहर बैठ करके वहां से पढ़ने का काम करें। दोबारा के पहले पढ़ने आएंगे तो अपने साथ बैठने के कार्य को अपने साथ लेकर के आने का काम करेंगे और बाबा साहब को तीसरी जो शर्त बताई गई कि आप जो विद्यालय आएंगे तो आप मटका देख तो सकते हैं लेकिन मटके को छू करके पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब ने सारी शर्तों को माना और बाबा साहब पढ़े। हम सबके मसीहा बहुजन समाज के मसीहा संत साहू जी महाराज के आशीर्वाद से बाबा साहब विदेश पढ़ने गए और विदेश बनकर के विश्व के बड़े बड़े विद्वानों में से जब विद्वान बनकर के आए और एक आपको पता होगा इस धर्मशाला में जब बाबा साहब ने रुकने का काम किया लोगों को जब रात में पता चला कि बाबा साहब एक धर्मशाला में रुके हैं तो लोग गए और रात्रि में बाबा साहब को धर्मशाला खाली कर दिया। बाबा साहब को पूरी रात के होटल के नीचे बारिश में खड़े रहे और उन्होंने सोचा कि जब मैं पढ़ लिख करके अब इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आया हूं जब मेरी हालत है तो मेरे समाज के लोगों की क्या हालत होगी। बाबा साहब ने प्रण किया और संघर्ष करने का काम। बाबा साहब ने संघर्ष किया और साथियों